अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी सुबह की 9 का टाइम है और आजकल मैं अपना जो वेट है वो लूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अपना जो डाइट शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले मैं पता क्या करती हूँ, सुबह उठ के एक गिलास आपने पानी का लेना है, नीम गर्म पानी। उसमें एक टेबल स्पून जो है ना, आप लोगों ने तुकमलंगा जो होता है ना वो ऐड कर देना है। इसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं ना इसको सुबह ही 1 घंटा पहले रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको पी लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके वेट लूज़ करने में। इसके अलावा भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, आप इसको लाजमी जो है ट्राई करें। ख़ासतौर पर जिन लड़कियों ने अपना वेट लूज़ करना है उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप सच्ची लाजमी ट्राई करें। मैं कर रही हूँ ना इसको, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हमारे जिस्म से जितने भी फालतू का फैट होता है सब ये ख़त्म कर देता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। घर में सब लोगों ने जो ब्रेकफास्ट है ना वो अपना कंप्लीट कर लिया है, जस्ट मैं ही रहती हूँ। बिकॉज़ आजकल मैं ब्रेकफास्ट में जस्ट ग्रीन टी और फ्रूट वगैरह ना यही चीज़ें लेती हूँ, और साथ ही मैं ना अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी और साथ ही मैं बना रही हूँ अपने नेपियों के लिए ओट्स का दलिया। और उसके लिए मैंने सबसे पहले पता क्या किया है, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल वो आपने ऐड कर लेना है। जैतून का तेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इसका भी रीज़न बता देती हूँ, कि अगर बच्चे की आंतें खुश्क हो गई हो ना और इसको कब्ज़ वगैरह का कोई इशू हो तो ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो इससे अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए हम ये आज इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून जो होते हैं ना ओट्स। उसके बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है, और जब ये ब्राउन हो जाएगा डार्क ब्राउन तो उसमें मैंने डाल देना है पानी और चीनी। उसके बाद इसे अच्छी तरह से ना पका लेना है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले पता है क्या करना है, ये 2 कप मैं बना रही हूँ, आपने 3 कप पानी के ले लेने हैं, और इसमें आपने हाफ स्लाइस जो होते हैं ना जिंजर का, अदरक का, वो डाल देना है, और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है हाफ लेमन। तो आधा लेमन को काट के वो भी इसमें ऐड कर देना है, और इसको लाइट फ्लेम पर रख देना है। जब इसका एक बॉयल आ जाएगा तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और फिर इसमें ग्रीन टी जो है ना ऐड करके इसको मैं पीऊँगी। तो दलिया मेरा बिल्कुल बन चुका है, और साथ में मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया। अभी मैं बैठ के करती हूँ, और अगेन सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम के बाद ना जो अपना व्लॉग है अपलोड किया है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी एक तो, और आपने मुझसे पूछ रहे थे कि ईद पे मैंने क्या पहना क्या किया। तो ईद हमने सेलिब्रेट नहीं की, मेरे चाचू की ना डेथ को अभी 5 मंथ हुए हैं, तो ईद तो नहीं सेलिब्रेट की, लेकिन हाँ कुर्बानी की थी, तो वो भी मैंने क्लिप्स बनाए थे, वो भी अभी तक अपलोड नहीं किए। दरअसल मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो वो 1 वीक हमारे घर में ही रहेंगी, उसके बाद उससे ना चले जाना है वापस सऊदी अरब। तो इसलिए ना बच्चों में बहुत ज़्यादा बिजी, और फिर उसकी कुछ पैकिंग में ना उसकी हेल्प करवा रही थी तो इसलिए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, और साथ ही ना मुझे ना ऑर्डर सेंड करने थे कुछ, तो अब मैंने वो भी कर दिए हैं, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो बाकी काम तो साथ साथ होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं रोज़ ही अपनी जो वीडियो है अपलोड करूँगी। तो ड्रेसेस की आज मैंने वीडियो ऐड नहीं की, बिकॉज आप सब बोलते हो ना कि आप अपने व्लॉग भी डाला करें, तो मैं व्लॉग जो है ना अपने वो भी ऐड करूँगी साथ साथ, और ड्रेसेस की डिज़ाइन है वो भी आपको वीक में एक बार उसकी वीडियो आया करेगी, और जो व्लॉग्स हैं वो डेली ही आप देखा करेंगे मेरे। ये हमारे घर के शरारती बच्चे हैं, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा शरारती हैं, उरैन है और अयान और समीर। समीर तो खैर बहुत छोटा सा है, तो ये 2 इतने शरारती हैं, इनके जितने भी खिलौने हैं सारे मैंने बिल्कुल ही छुपा के ना रख दिए हैं ताकि ना इनको मिले, बिकॉज सारा दिन मैं उठा उठा के थक जाती हूँ। इतना इन लोगों ने ना खिलौना डाल देते हैं ना हर जगह पे, खिलौने 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 खिलौने, और मैं अपनी कैबिनेट साफ़ करती हूँ उसमें से कपड़े निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर फ्लोर साफ़ करने लग जाते हैं उससे। बहुत ज़्यादा ये शरारती हो चुके हैं। एक हमारी काम वाली जो है
एक वीक से वो भी नहीं आ रही, तो सारा काम करना पड़ता है। सच्ची बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऊपर से इतने शरारती बच्चे हैं ना, अफलातून है ये, हाथ ही नहीं आते ना बात मानते हैं। अगर मैं इनको डांटूँ, थोड़ा सा डांटूँ, तो ऐसे मुंह बना लेते हैं और बोलते मैशी बैड लड़की है, हमें मारती है। तो वैसे अच्छा लगता है, वैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ना रौनक लग जाती है घर में। और साथ ही अभी डिनर का भी टाइम होने वाला है, तो आज हम लोग बना रहे हैं शामी टिक्कियाँ, तो उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ। उसके लिए हमने सबसे पहले पता क्या करना है, हमने आधा किलो चने की दाल है वो ले लेनी है, और साथ ही एक किलो मटन का जो कीमा होता है ना वो करवा ले, वो ऐड करना है। और साथ ही इसमें हमने अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और एक प्याज मीडियम साइज़ की, और साथ में जो मिलता है ना शामी कबाब मसाला जो होता है वो हमने ऐड कर देना फुल पूरा का पूरा, और नमक डाल के ना हमने इसको ना वेट पे लगा देना है। तो 10 मिनट तक आप चेक कर लेना क्या पोजीशन है। तो इसको 15 मिनट में इसका जो पानी था ना वो खुश्क हो गया था, जब पानी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर हमने ना इसको अच्छे से इसको ना मैश कर लेना है। ये देख सकती है बिल्कुल ये इसका जो पानी है बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। सुबह बाहर निकाल लूँगी और हाथ के साथ इसको ना मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ना फिर वो ज़्यादा पतला सा हो जाएगा, तो अगर चॉपर है ना तो उसमें इतना ज़्यादा पतला नहीं होता, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना प्रेशर कुकर में डालने की वजह से बिल्कुल गल गया हर चीज़, तो बिल्कुल ऐसे हाथ के साथ ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इसके जो ग्रीन मसाला है वो, अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रीन मसाला। इसका जो टेस्ट होता है ना सबसे ज़्यादा इसी की वजह से आता है, ग्रीन मसाला जो इसमें ऐड होता है। तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और साथ ही प्याज। तो इसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट लाइट सा नमक अगर ज़रूरत हो तो। और अंडा इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज़ इसको हमने कल तक रखना है ना, तो जितनी बनानी है उसमें मैं ऐड करूँगी, बाकी ओवरऑल जितना भी है सारे में ऐड नहीं करना। मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ सब सिस्टर को जिन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी थी, मैं वो अपलोड नहीं कर सकी, तो मैं सॉरी वो वीडियो नहीं बना सकी। इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के बच्चों की जितनी भी पिक्स है वो सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ईद पे बहुत ज़्यादा ना मैंने आपको बताया था क्या मस्ते बन गए थे, और साथ में जो मेरा डाइट का शेड्यूल है वो आपने देख लिया होगा। मॉर्निंग में जस्ट मैंने ग्रीन टी पी थी, और साथ में जस्ट मैंने थोड़े से फ्रूट्स जो थे वो लिए हैं, और दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया, जस्ट पानी पिया था। पानी में आप ग्लूकोज ऐड कर लें तो वो भी ठीक रहता है, इससे मैदा हीट अप नहीं करता, तो वो भी ज़बरदस्त है। तो आप ग्लूकोज डाल के भी पी सकते हैं, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इससे हमारी स्किन की जो लेयर है वो उतनी ज़्यादा ना थिक रहती है, पतली नहीं होती। और मैंने बस रात में मैं डिनर में जस्ट ये मटन की जो टिक्कियाँ बनाई हैं ना, तो जस्ट ये 3 टिक्कियाँ मैं है ना साथ में एक कटोरी छोटी सी दही की ना लेके वो खाऊंगी, और मैं इसके अलावा पूरे दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये मेरा डाइट का शेड्यूल था, इतना ज़्यादा वेट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा गेन ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा अभी से कवर कर लेती हूँ, फिर पता टेंशन फ्री हो जाता है। और साथ ही मैं अब देख लें खाली पेट तो नींद भी नहीं आती मुझे सच्ची, मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, और फजर की नमाज़ के बाद जब थोड़ी सी मॉर्निंग हो जाती है ना, जब सन शाइन हो जाता है तो उस वक्त मैं सोती हूँ, और मैं सुबह 10:30 उठ जाती हूँ, 3-4 घंटे ही बस सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती खाली पेट। और रात में मैं 2-3 बजे जस्ट कॉफ़ी लेती हूँ,
और कुछ भी नहीं। अगर ज़्यादा भूख लग जाए बहुत ज़्यादा या वीकनेस फील हो ना, तो फिर साथ में मैं कुछ एप्पल वगैरह इस तरह का कुछ फ्रूट वगैरह कुछ खा लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा जो दिन है वो गुजर जाता है। और अभी मैं बस खाऊंगी ये शाम में, उसके बाद थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करूंगी, नॉर्मल सी वॉक करूंगी, और साथ ही आज का ब्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।